वेलकम बैक टू शाहाना किचन गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दलिया की रेसिपी। देखिए चिंता मत करिए, आप सोचेंगे कि भाई मेरे लिए आज दलिया बना के खिलाने वाली हो, लेकिन आज मैं दलिया बना के नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं दलिया से आपको लड्डू ज़रूर बना के खिलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पाउंड मैंने ये दलिया ले लिया है और इस दलिया से ही आज मैं बहुत टेस्टी से लड्डू बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी दलिया से लड्डू बनाना। देखिए आज के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और इसके अंदर में हमने एक चम्मच डालना है ये देसी घी और इसको थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं पहले। देखिए घी मेल्ट हो गया है और इसके अंदर में डालना है ये एक कटोरी हमने दलिया लिया है इसमें डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से भूनना है और इसके इतना भूनना है इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगी जैसे ये भुनेगा। तब इस कम से कम दो से मतलब 5 से 7 मिनट लग जाएंगे और लो फ्लेम पे मैंने इसको भूनना है जिससे कि ये जल्दी लाल नहीं होए और इसकी जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाएगा। देखिए दलिया हमारे अच्छे से भून गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है अच्छे से। और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं उसके बाद ही आगे का दिखाएंगे आपको। और देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। देखिए दलिया को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है और इसके अंदर में थोड़ा सा घी डाल के ये मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है और इसके अंदर में हमने डालने ये 10 से 15 मैंने बादाम लिए हैं जिसको कूट लिया है और दलिया है वो मैंने थोड़ी पंखे की हवा में रख दिया है जिससे कि दलिया जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए दलिया हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसको मैं पंखे के नीचे से ले आई हूँ और इस दलिया को हमने डालना है मिक्सी के जार में। तो इसमें हमने डाल के इसको अच्छे से पीसना है, ग्राइंड करना है। देखिए हमने अपनी दलिया को अच्छे से पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से पीस चुका है और इसको हमने वापस इसी प्लेट में निकाल देते हैं जिसमें हमने ठंडा किया था। देखिए दलिया को हमने मिक्सी से निकाल लिया है, बहुत अच्छे से ये पाउडर बन गया है मतलब पिस गया है अच्छे से। और इसके अंदर में आधा चम्मच डाल देते हैं ये इलायची पाउडर और साथ ही हमें डालना है ये चीनी बूरा। तो जब भी लड्डू बनाएं तो चीनी बूरे ही डालें और मतलब चीनी को पीस के पाउडर नहीं डालें क्योंकि ये थोड़ा सा पाउडर बन जाता है लेकिन बूरा में जो थोड़ा सा दरदरापन होता है वो मतलब अच्छा टेस्ट आता है। जब लड्डू खाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा आता है ना क्रिस्मीपन, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए इसमें जो घी है वो थोड़ा सा कम है तो इसके अंदर में हमने डाला है ये घी। तो घी को मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी इसमें। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि कितना घी की ज़रूरत है। देखिए जो घी बचा है वो मैं सारा डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए घी को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और इसके अंदर में ये जो रोस्ट करके बादाम रखे हैं ये हम डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर हमने इसके लड्डू बना लेते हैं। और अब हमने इसके लड्डू बनाने हैं, लड्डू अपने हिसाब से बनाने हैं छोटे बड़े। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसके थोड़े दबा के बनाने हैं जिससे कि हमारे जो लड्डू हैं वो टूटेंगे नहीं। देखिए हमारा ये लड्डू बन गया है और ये हमने प्लेट में लगा रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना लेते हैं। देखिए हमारे दलिया के लड्डू बनकर तैयार हैं और देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे दलिया के लड्डू बनकर तैयार हुए और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये बहुत कम समय बन जाती है और इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं ज़रूरत होती है। जो घर में दलिया तो रखे ही होते हैं हमेशा, तो बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरे दलिया के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।